तेरे एक एक पाई वापस चाहिए मुझे मेरी। गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारे घर के बाहर घूमते। पायल ने की खाने की चोरी, बिंदिया ने पायल को पकड़ा रंगे हाथ। क्रश के सामने बिंदिया लाएगी पायल का सच। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो सुहागन की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से पायल क्रश को एक बहुत बड़ा धोखा देते हुए नजर आएगी, जिसे कि बिंदिया रंगे हाथ पकड़ते हुए भी दिखाई पड़ेगी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर पायल खाने की चोरी करती है, कुछ पैसे चुरा कर अपने लिए लजीज खाना ला कर खाती है और वही प्लेट को छुपा देती है। जब क्रश आता है तो क्रश के सामने रूखी सूखी रोटी खाने का नाटक करती है और साथ ही क्रश भी रूखी सूखी रोटी खाता है। कहीं ना कहीं क्रश पायल की वजह से गरीबों वाला जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो चुका है, लेकिन पायल क्रश की वजह से गरीबों वाला खाना नहीं खा सकती है। पायल को लजीज खाना चाहिए होता है और पायल वो लजीज खाना खा भी लेती है, लेकिन क्रश के सामने कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो क्रश की कमाई पर ही जी रही है और क्रश का लाया ही खाना खा रही है। जी हाँ, और ये पायल का सच बिंदिया के सामने आ जाता है। बिंदिया ये सच क्रश को भी बताना चाहती है ताकि क्रश की आंखों की पट्टी खुल जाए, लेकिन बिंदिया इसमें नाकामयाब रहती है। यहाँ बिंदिया के हाथों में पायल के झूठे प्लेट लग चुके हैं, जिसको लेकर बिंदिया पायल को ताना मारती हुई नजर आ रही है कि पायल क्रश की पत्नी तो बनना चाहती है लेकिन अपना पत्नी धर्म ही नहीं जानती है। और ये सब सुनकर पायल का गुस्सा बिंदिया पर फूट पड़ा है। वहीं पे दूसरी ओर बिंदिया क्रश के सामने सच लाने की तरकीब खोजने में लगी हुई है। वेल, तो इस पे क्या है आपकी राय, क्या वाकई ही बिंदिया ला पाएगी क्रश के सामने सच? हमें कॉमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।